हेलो गाइस, वेलकम टू जुकोर गेम्स। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जुकोर गेम्स में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो सेंसिटिविटी को लेकर थोड़ा सा परेशान है, खासकर जब बड़े स्कोप यूज़ करते हैं, जैसे 4x 6x 8x लॉन्ग रेंज पे, खासकर आप लोग बोल्ट एक्शन यूज़ करते हो या फिर मार्क्समैन यूज़ करते हो तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा रिकॉइल होता है। तो अपनी सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए, खासकर जब टारगेट ज़्यादा लंबा होना। तो गाइस, हम लोग थोड़ा सा भी माउस हिलाते हैं ना तो बहुत दूर चले जाता है, मतलब सामने बंदा टाप टाप इतना लंबा लंबा जाता है। तो सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो इस वीडियो को फॉलो करो और ट्राई करो और बताओ मुझे आप लोग का इससे भला हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विंडोज़ की सेंसिटिविटी। तो पहले कंट्रोल पैनल पे जाओ आप लोग, फटाफट इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद में यहाँ पर एक माउस करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, माउस पे थर्ड पॉइंटर ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पर सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड, यहाँ पर 1 2 3 4 छोटी लाइन पे मैंने फोर्थ पे रखा हुआ है और इसको चेक मार्क नहीं किया, आप भी मत करना, इससे डायरेक्ट डबल हो जाती है, 4 बहुत हो गया। याद रखना, आपका जो माउस है उसकी DPI मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखी हुई है ताकि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, मतलब 800 या फिर 800 के नीचे DPI, ठीक है, उनके लिए। ये करने के बाद में आपको ओके करना है, ओके करके इसको बंद कर दो, दैट्स इट। ये हो गई अपनी विंडोज़ की सेंसिटिविटी। ठीक है, अब मैं आपको गेम की सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। मैं गेम में खासकर, मैं चेयर पार्क में हूँ, उसको बड़ा कर देता हूँ, मैं LD प्लेयर यूज़ करता हूँ। ये चीज़ LD ब्लू स्टैक जो भी आप यूज़ करते हो, गेम लूप सब पे काम करने वाली है, BGMI के लिए भी और PUBG मोबाइल के लिए भी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं अपनी सेटिंग्स में और यहाँ पर गया मैं सेंसिटिविटी में। अब देखिए, मैंने फुल कस्टमाइज़ किया हुआ है इसको, लो सेंसिटिविटी रखने की कोशिश करो ताकि आपका हाथ ज़्यादा लंबा यहाँ वहाँ नहीं जाए। ठीक है, TPP जो कैरेक्टर व्हीकल की सेंसिटिविटी है वो मैंने ज़्यादा नहीं रखी हुई है, 70 और 50 रखी हुई है। उसके अलावा TPP जो कैमरा सेंसिटिविटी है आप लोग देख सकते हो, लो ही रखी है मैंने, ज़्यादा नहीं रखी है इसको भी, 20। मैं मतलब TPP और FPP दोनों देख लो, ऑलमोस्ट सेम ही है, 20 40 40, रेड डॉट पे 17 12, मतलब 2 स्कोप पे 12 है, 3 स्कोप पे 6 है, 4 पे या फिर VSS पे 3% है, 6X पे 3% है और 8X पे 2% है। ठीक है, मतलब ये कम से कम है। अभी 8X पे आप लोगों को सोच रहे हो कि 2% क्यों, क्योंकि भैया 8X हम लोग ज़्यादातर एकदम रेंज के बंदे को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो 2% ना आपने इतना भी किया ना वहाँ पर इतना लंबा ही जाता हो, तो अपने को कंट्रोल करने के लिए इतनी लो चाहिए। तो खासकर हम लोग 4x 6x और 8x पे फोकस कर रहे हैं आज, उसके लिए सेंसिटिविटी है। तो 4x 6x 8x के लिए आप 2 3 4, मतलब मैक्सिमम 4 के ऊपर मत रखो यार, 4x के लिए 4, 6x के लिए 2 या 3, 8x के लिए 2, खत्म। सेम आपको रखनी है ADS सेंसिटिविटी, ADS भी सेम 4x 6x और 8x के लिए सेम, 3 2 3 या फिर 3 3 3 या फिर 3 2 2 2, जैसे आपको अच्छा लगे। 4 के लिए आप, 4x के लिए आप 3 या फिर 4% रख सकते हो, बाकी दोनों के लिए 2 या 3 रखो, उससे ज़्यादा नहीं, दैट्स इट। ये करने के बाद आप सेव करो, खत्म। ये मेरी सेंसिटिविटी, आप लोग देख लो अच्छे से और आप लोग भी ट्राई करना है इसको। अब अपन इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। मैं AWM इस्तेमाल करने वाला हूँ 8x के साथ में। आप अपने पास सामने एक स्क्वाड है, फॉर एग्जांपल एक इस झाड़ के पीछे दिख रहा है आप लोग को ये, और एक इस झाड़ के पीछे, ठीक है। अब एक ही स्कोप में अपने को दोनों कवर करना है। अगर आप हाई सेंसिटिविटी रखोगे ना तो आप हल्का सा हिलाओगे ना तो आप यहाँ पहुँच जाओगे सीधा, सच बोल रहा हूँ मैं। अभी देखो, यहाँ का शॉट लो, यहाँ का शॉट लो, यहाँ का शॉट लो, यहाँ का शॉट लो, इजी है गाइज। अभी फॉर एग्जांपल अपने पास AWM नहीं है लेकिन मिनी मिली हुई है, मार्क्समैन में मिनी बढ़िया करना है, मिनी या फिर SKS जो भी अपने को मिले, ठीक है। अभी देखिए, सपोज वहाँ पर बंदा है, ऑलमोस्ट एक ही स्पॉट पे सारी बुलेट है गाइज। अगर आप देखेंगे, सपोज यहाँ पर इसका हेड है तो इसके हेड पे 2 बुलेट आराम से लगी होगी, 3 4 में से। अगर ये तो मैं खड़ा हूँ, अगर मैं सपोज बैठ के या फिर लेट के लेता हूँ प्रोन करके तो और भी ईजी पड़ता है मुझे। ये देखिए, बहुत कम हिलता है वो। और फिर बाद में यहाँ का बंदा सपोज है, तो ये देखिए, अभी यहाँ से मेरे को बैठ के दिख रहा नहीं है तो मेरे को खड़ा ही होना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, इजी नज़दीक 100 मीटर के अंदर है,
इजी, दोनों नॉक भाई। तो गाइज ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये हाई एंड स्कोप के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लोग ट्राई करो इसको। बस ये छोटा सा वीडियो आप लोग को यही बताने के लिए, आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर भी अगर कोई क्वेरी है इस चीज़ को लेके, तो लाइव स्ट्रीम में मिलो मुझे 4:30 एवरी डे आफ्टरनून एंड 8:30 एवरी डे या फिर एवरी इवनिंग आप बोल सकते हो, ये दोनों टाइम पे मैं आता हूँ। 4:30 जो रहता है वो सब्सक्राइबर्स ओनली लॉबी है, अगर आप लोग सपोज आपको साथ में खेलना है तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखना आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, और डिस्कॉर्ड का जो वॉइस चैनल है उस पर आके आपका माइक यूज़ करना है, क्योंकि गेम के माइक हम लोग बंद रखते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो दोपहर में मिलता हूँ 4:30 को आप लोग से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।